गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। सो गाइस यार अभी मैं हूं दानापुर सगुना मोड़ वाले रोड पर। और गाइस आप लोग की काफ़ी टाइम से डिमांड हो रही थी कि भाई जो दानापुर में बहुत सारे मॉल का जो काम चल रहा है उसके बारे में कुछ अपडेट दिखाइए। सो गाइस आज मैं आपको उन्हीं में से कुछ एक दो मॉल का अपडेट दिखाने आ गया हूँ। सो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ दानापुर के पास जो ओमेगा गार्डन है उसके ठीक सामने यहाँ पर ये ऑर्बिट मॉल बनाया जा रहा है। फिलहाल तो अभी यहाँ पे रेजिडेंशियल का काम चल रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो गाइस चलिए फिर क्या कुछ काम चल रहा है और क्या इसमें बनने वाला है वो सारी कुछ डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज़ अगर आप इधर सगुना मोड़ के तरफ से आ रहे हैं तो सेंट कैरेंस स्कूल से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको यहाँ सामने ओमेगा गार्डन मैरिज हॉल देखने को मिलेगा। और यहाँ से आगे बढ़कर आप दानापुर स्टेशन के तरफ चले जाएंगे तो गाइज़ इसी ओमेगा गार्डन के ठीक सामने आपको ये मुंडेश्वरी ऑर्बिट मॉल का काम होता हुआ देखने को मिलेगा जिसे मुंडेश्वरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस दानापुर सगुना मोड़ रोड पर काफ़ी सारे मॉल्स खोले जा रहे हैं जिनमें से ये एक ऑर्बिट मॉल भी है। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको जेबी मॉल का अपडेट दिखाया था तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा। और गाइस बात करूं यहाँ बनाए जा रहे इस ऑर्बिट मॉल के बारे में तो यहाँ रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों तरह की बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं जिनमें अभी आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का काम होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये जो अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं इस तरह के यहाँ तीन ब्लॉक होंगे जिसमें 2.5, 3 और 4 BHK फ्लैट बनाए जा रहे हैं। वहीं इसके ठीक सामने एक और बिल्डिंग बनाई जाएगी जो कि ऑर्बिट मॉल होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ अभी बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का काम किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो मॉल है ये बिल्कुल सिटी सेंटर मॉल की तरह ही बनाया जा रहा है। जैसा अभी आप उस मॉल में देखते हैं फ्रंट साइड के तरफ मॉल और ठीक उसके पीछे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाए गए हैं, बिल्कुल उसी तरह की डिज़ाइन यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। और आप इन तस्वीरों में इसे देख भी सकते हैं जो बनने के बाद कुछ ऐसा दिखने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये भी बिहार का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल होगा और फैसिलिटीज़ के मामले में ये मॉल काफ़ी आगे है। आपको इसमें बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम, सुपरमार्केट, फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स थिएटर जिसमें 6 स्क्रीन होंगे, इसके अलावा आउटडोर रेस्टोरेंट, गेमिंग जोन और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो गाइज आइए अब मैं आपको इसका 3D ग्राफिक वीडियो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये मॉल बनाया जा रहा है। तो गाइज ये रहा इस मुंडेश्वरी ऑर्बिट मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का एक्सटीरियर लुक। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिटी सेंटर मॉल की तरह ही देखने में लग रहा है। तो आइए अब मैं आपको इस मॉल के अंदर का लुक भी दिखा देता हूँ। तो गाइज ये रहा इस मॉल का एंट्री गेट और काफी ज्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा है इसे, आप देख भी सकते हैं। और गाइज ये रहा इस मॉल का इंटीरियर पार्ट जहां आपको ऑलमोस्ट सारे ब्रांडेड शोरूम मिल जाएंगे जैसे अभी आप PNM मॉल या सिटी सेंटर मॉल के अंदर देखते हैं। और गाइज बाकी आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं कि यहां इस मॉल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो गाइज कुछ इस तरह का बनने वाला है ये मॉल। वैसे इस मॉल को अभी तैयार होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, आई थिंक 2025-26 तक ये बनकर तैयार हो पाएगा। तो गाइज ये था दानापुर सगुना मोड़ के पास बनाए जा रहे मुंडेश्वरी ऑर्बिट मॉल का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना की ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।